दोस्तों, क्या आपने कभी ये गौर किया है कि हमारी ये दुनिया काफी ज्यादा परफेक्ट है, जहां स्टार्स एंड प्लैनेट्स को होल्ड करने के लिए ग्रेविटी है जो उन्हें एक दूसरे से दूर जाने से रोकती है और यूनिवर्स में बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करती है। तो वहीं यूनिवर्स के गैलेक्सीज के टकराव को बचाने के डार्क एनर्जी है जो इन्हें दूर ले जाकर टकराव से बचाती है और इस यूनिवर्स को फैलाकर इसे कोलैप्स होने नहीं देती। इतना ही नहीं, कई साइंटिस्ट का तो ये भी कहना है कि बिग बैंग के दौरान जो सिंगुलैरिटी एग्जिस्टेंस में आई थी, अगर उसके टेम्परेचर या एनर्जी में थोड़ा सा भी डिफरेंस होता तो हमारे इस यूनिवर्स का निर्माण होना ही पॉसिबल नहीं था, और होता भी तो उसमें शायद कभी कोई एटम्स क्रिएट ही नहीं होते। इसके अलावा क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर क्यों यूनिवर्स इन फिजिक्स एंड मैथमेटिकल लॉज को फॉलो करता है? आखिर क्यों ये दुनिया किसी कंप्यूटर एल्गोरिदम की तरह ही काम करती है? क्या ये दुनिया कोई सिमुलेशन है जिसे एक पावरफुल कॉस्मिक कंप्यूटर द्वारा बनाया गया है, जहां हम सभी ह्यूमंस किसी एआई से ज्यादा कुछ नहीं है जो खुद को जिंदा समझ रहे हैं? अब अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो बस बने रहिए वीडियो में एंड तक मेरे साथ, क्योंकि आज हम कुछ ऐसे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जानेंगे जिनके रिजल्ट ये साबित करते हैं कि ये यूनिवर्स एक सिमुलेशन है। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दोस्तों, साल 2003, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के फेमस फिलोसोफर निक बॉस्ट्रम ने सिमुलेशन हाइपोथेसिस को पहली बार मॉडर्न वर्ल्ड के सामने रखते हुए ये कहा कि प्रोबेबली हमारी ये दुनिया एक कंप्यूटर सिमुलेशन है जिसे ऐसी एडवांस सिविलाइजेशन द्वारा बनाया गया है जिनकी कंप्यूटेशनल पावर इतनी ज्यादा है कि इसके अंदर मौजूद हम पार्टिसिपेंट्स को ये सिमुलेशन बिल्कुल रियल लगता है। अब दोस्तों, एक फिजिसिस्ट सेट लियोड निक बॉस्ट्रम के इस आइडिया से इतने इंस्पायर हो गए कि उन्होंने साल 2016 में इसे आगे बढ़ाते हुए यही कह दिया कि ये दुनिया ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा यूनिवर्स, यहाँ तक कि ऐसे कई यूनिवर्सेस एक जायंट कॉस्मिक क्वांटम कंप्यूटर द्वारा बनाए गए सिम्युलेशन हो सकते हैं। साल 2020 में सिम्युलेशन हाइपोथेसिस पर पब्लिश एक रिसर्च पेपर के मुताबिक कई डिस्कवरीज एंड एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट ये बताते हैं कि इस यूनिवर्स के सिम्युलेशन होने के चांसेस करीब 50% है। मतलब सिंपल वर्ड्स में कहूं तो ये रिसर्च पेपर ये कह रहा है कि आपके और मेरे रियल होने के चांसेस केवल 50% है। अब देखो, कई बार ये बातें इतनी चौंकाने वाली नहीं लगती, क्योंकि हम हमेशा से ही अपनी लाइफ में ऐसे कई एक्सपीरियंसेस करते आए हैं, जैसे द मंडेला इफेक्ट, देजावू, जिनसे हमें भी कभी कभी यही लगता है कि ये दुनिया एक सिम्युलेशन है। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि सिम्युलेशन का ये क्वेश्चन तब से चला रहा है जब हमें कंप्यूटर के बारे में ठीक से पता भी नहीं था। अराउंड 428 BC में जन्मे ग्रीक फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन प्लेटो ने भी आज से करीब 1000 साल पहले ही ऐसी कई फिलोसॉफिकल थियोरी दी थी जिनके मुताबिक वो इस दुनिया को एक छलावा कहते थे। ग्रीक्स द्वारा बनाए गए मॉन्यूमेंट्स एंड पेंटिंग्स में भी हमें इस तरह के इशारे देखने को मिलते हैं जहां वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये दुनिया सच नहीं है। अब ग्रीक्स के अलावा 1020 कॉमन एरा में जन्मे चाइनीज फिलोसोफर जैंग जाई भी अपनी इसी तरह की एक फिलोसॉफिकल थियोरी के लिए काफी ज्यादा फेमस है, जिसका नाम है द बटरफ्लाई ड्रीम। अब दोस्तों, इसके अंदर जांग जाई ने लोगों के ऐसे सपनों के बारे में लिखा है जहां वह खुद को एक बटरफ्लाई मानते हुए लगातार उड़ते रहते हैं और सपने के अंदर उन्हें उस दुनिया की एग्जिस्टेंस तब तक रियल लगती है जब तक कि वो उस सपने से जग ना जाए। वैसे देखो, इस तरह का ड्रीम एक्सपीरियंस काफी नॉर्मल है। आपने भी कभी ना कभी ये महसूस किया होगा कि सपनों के दौरान हमारे लिए वही सपनों की दुनिया सच हो जाती है जब तक कि हम नींद से जाग नहीं जाते। पर इनकार इस बात से भी नहीं किया जा सकता कि सिम्युलेशन हाइपोथेसिस के इस आइडिया को और भी ज्यादा पॉपुलर बनाने में मूवीज और वीडियो गेम्स का भी हाथ है। स्पेशली देखो, आज के हाई ग्राफिक्स वीडियो गेम्स जो कि वर्चुअल रियलिटी एंड मेटावर्स जैसी चीजों से कनेक्टेड है, जहां गेम्स के अंदर लोग अपने खुद के एवेटार बनाते हैं और एक ऐसे वर्चुअल वर्ल्ड में घंटों तक बिताते हैं जहां बड़े बड़े शहर से लेकर वर्ल्ड मैप तक एक्यूरेट तरीके से सिम्युलेट किए गए हैं, जो इतने रियल लगते हैं कि अभी से लोग इसके एडिक्ट होने लगे हैं।
इसके अलावा दोस्तों हमारी कंप्यूटर पावर का एक छोटा सा एग्जांपल आप इसी बात से देख सकते हो कि आपने कभी मेरी प्रीवियस वीडियो में मुझे ईगल सिम्युलेशन के बारे में बताते हुए तो जरूर सुना होगा, जिसकी फुल फॉर्म है इवोल्यूशन एंड असेंबली ऑफ गैलेक्सीज एंड देयर एनवायरमेंट्स। यानी कि इस सिम्युलेशन की मदद से साइंटिस्ट केवल कोई शहर या फिर दुनिया ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी गैलेक्सीज और यहाँ तक कि यूनिवर्स के भी सिम्युलेटेड मॉडल्स बनाकर कुछ ही सेकेंड्स में गैलेक्सीज के बिलियंस ऑफ ईयर्स के फॉर्मेशन एंड सिम्युलेशन की स्टडी कर लेते हैं। और आपको बता दूं कि अभी तो ये बस शुरुआत है, क्योंकि अब जैसे जैसे कंप्यूटर्स और भी ज्यादा पावरफुल एंड कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं उसको देखते हुए एक बार इमेजिन करिए कि जब अभी से हमारे कंप्यूटर सोलर सिस्टम गैलेक्सीज एंड इवन यूनिवर्स के सिम्युलेटेड मॉडल्स बनाने लगे हैं, जबकि हम अभी कार्डासेव स्केल पर टाइप 1 सिविलाइजेशन तक भी नहीं पहुंचे, तो आने वाले फ्यूचर में जब हम टाइप 2 सिविलाइजेशन या फिर उससे भी बड़ी एडवांस सिविलाइजेशन में इवॉल्व होंगे तो हमारे कंप्यूटर्स की ताकत कितनी ज्यादा बढ़ चुकी होगी। अब दोस्तों इस तरह के पावरफुल हाइपोथेटिकल कंप्यूटर के बारे में हमें 1997 में रॉबर्ट जे ब्रैडब्यूरी नाम के एक साइंटिस्ट ने बताया था, जिनका कहना था कि अगर किसी स्टार के चारों ओर डायसन स्फीयर नाम का एक मेगा स्ट्रक्चर बनाया जाए जो उस स्टार से आने वाली ज्यादा से ज्यादा एनर्जी का प्रयोग कर सके, तो उसकी मदद से हम एक इमेंस कंप्यूटेशनल कैपेसिटी वाले कंप्यूटर मैट्रियोश्का को बना सकते हैं, जिसमें इतनी ताकत होगी कि वो यूनिवर्स को एक्यूरेट वे में सिम्युलेट कर सकेगा, वो भी ऑल एक्यूरेट डिटेल्स फिजिक्स लॉज एंड इवन एआई ह्यूमंस के साथ। नाउ जस्ट इमेजिन अगर इस तरह के पावरफुल कंप्यूटर में किसी हायर एंटिटी द्वारा यूनिवर्स की फॉर्मेशन की जाती है और अगर उसके अंदर हमारी ही तरह इंटेलिजेंट एआई बीइंग्स क्रिएट की जाती है जो अपने आसपास के एनवायरमेंट को महसूस कर सके और समझ सके, तो उनके लिए तो वो यूनिवर्स खुद में ही रियल होगा, जहां उस पावरफुल कंप्यूटर के द्वारा बनाए गए फिजिक्स एंड मैथमेटिकल रूल्स भी काम कर रहे होंगे, बिल्कुल हमारे इस ब्रह्मांड की तरह। वैसे दोस्तों कुछ इसी तरह का सिमुलेशन वर्ल्ड हमें साल 2021 में आई फ्री गाय मूवी में भी देखने को मिला था, जहां एक काफी एडवांस फ्री सिटी गेम में रियल प्लेयर्स के लिए बनाए गए थे। अब इसी में से एक साइड कैरेक्टर एआई के अंदर कॉन्सियसनेस आ जाती है। हाँ, ये बात अलग है कि ये कॉन्सियसनेस उसे एक लड़की को देखकर आता है। अब चाहे जो भी हो, पर इस तरह की ये सभी सिमुलेशन थियरीज गेम्स एंड मूवीज की वर्चुअल दुनिया को देखकर हमारा अपनी खुद की रियलिटी पर भी सवाल उठाने का मन करता है, और ये सोचकर कई बार सच में मुझे काफी डर लगता है कि क्या हो अगर हम भी रियल ना हो, तो हमें बस इस तरह से प्रोग्राम किया गया हो कि हम रियल फील करें। इसी तरह के सेम क्वेश्चंस हमारे इलोन भैया भी हमेशा ट्विटर पर पूछते रहते हैं, और देखो कई बार मुझे उनके ट्वीट देखकर लगता है कि वो पूछने के बजाय हमें ये बता रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, ये तो बात हुई फिलॉसफी थियरीज एंड साइंस फिक्शन की, पर अब रियल साइंस पर वापस आते हैं और देखते हैं कि क्या सिम्युलेशन हाइपोथेसिस के इन दावों में कोई भी सच्चाई है। वेल, आपको ये बातें काफी हैरान कर सकती है, पर साइंटिफिकली ऐसे कई एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं जिनके रिजल्ट काफी हद तक यही सजेस्ट करता है कि सिम्युलेशन हाइपोथेसिस सच है और हमारी ये दुनिया केवल एक कंप्यूटर सिम्युलेशन है। अब इसे समझने के लिए चलो एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखते हैं। दोस्तों हमने हमेशा ये देखा है कि कंप्यूटर चाहे कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन हमेशा उसकी कुछ प्रोसेसिंग लिमिट होती है, जिससे आगे जाने पर या तो कंप्यूटर स्लो डाउन हो जाता है या फिर काफी ज्यादा हीट अप होने से उसमें डैमेज होने का खतरा बढ़ जाता है। अब देखो ये काफी नॉर्मल बात है, अपने अपने मोबाइल्स एंड कंप्यूटर्स में भी आपने ये देखा होगा, जहां कई बार कम रैम वाले एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स एंड विंडोज कंप्यूटर हाई टास्क परफॉर्म करने पर स्लो हो जाते हैं क्योंकि उनकी प्रोसेसिंग लिमिट ही इतनी नहीं होती है। तो अगर हमारा यूनिवर्स भी एक कंप्यूटर सिम्युलेशन है, तो ऐसे में इस सिम्युलेशन को रन करने वाले कंप्यूटर के भी कुछ प्रोसेसिंग लिमिटेशंस जरूर होंगे, जिससे आगे चलने पर हमारे यूनिवर्स को चलाने वाले कॉस्मिक कंप्यूटर का प्रोसेसर धीमा पड़ जाएगा। अब ये सुनने में काफी इंटरेस्टिंग लगता है, पर इस तरह के लिमिट हमारे ब्रह्मांड में सच में है, और ऐसी एक लिमिट है लाइट स्पीड की लिमिट। अब देखो, क्योंकि आइंस्टाइन की थियोरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी में ये साफ साफ कहा गया है कि यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट स्पीड पर या फिर उससे ज्यादा तेजी से कभी भी ट्रेवल नहीं कर सकता एक्सेप्ट यूनिवर्स इटसेल्फ। और अगर किसी कारण से यूनिवर्स के अंदर मौजूद कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट स्पीड को अचीव कर लेता है, तो उसके आसपास का स्पेस टाइम फैब्रिक बिल्कुल धीमा हो जाएगा, जो लगातार ये इंश्योर करेगा कि कभी भी वो ऑब्जेक्ट लाइट स्पीड के एब्सोल्यूट मार्क को क्रॉस ना कर पाए।
यानी देखो, इस यूनिवर्स को बनाने वाले कॉस्मिक कंप्यूटर प्रोसेसर लाइट स्पीड से चलने वाले किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए स्लो हो जाता है। मानो उसकी इतनी कैपेबिलिटी ही नहीं है कि वो इतने हाई एनर्जी टास्क को परफॉर्म कर सके। अब इस तरह से समय की रफ्तार को धीमा होने को टाइम डायलेशन नाम दिया गया है। इसी तरह का टाइम डायलेशन आपको ब्लैक होल के पास भी देखने को मिलता है, जो ब्लैक होल के सेंटर पर जाकर और भी ज्यादा एक्सट्रीम हो जाता है, क्योंकि ब्लैक होल के आसपास भले ही टाइम धीमा हो, लेकिन उसके बिल्कुल सेंटर में जाकर तो स्पेस टाइम फैब्रिक ही पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाती है, जो देखकर ऐसा लगता है कि अगर ये यूनिवर्स सिमुलेशन है तो ब्लैक होल उनमें मौजूद वो बग है और वायरसेस है जो सिमुलेशन को डिस्ट्रॉय कर रहा है, या फिर शायद ये ब्लैक होल ही इस सिमुलेशन से बाहर निकलने का कोई रास्ता भी हो सकता है। अब दोस्तों, इसके बाद बारी आती है हमारे सेकंड प्रूफ की। अब दोस्तों, क्या आपने कभी ये गौर किया है कि जब भी हम कोई वीडियो गेम्स खेलते हैं तो उनमें ज्यादातर ग्राफिक डिजाइनर कई बड़े बड़े मॉडल्स को तो काफी एक्टिव करके बनाते हैं, पर कई छोटे छोटे डिटेल्स में गलतियां कर देते हैं, क्योंकि उन पर ज्यादातर किसी का भी ध्यान नहीं जाता। अब ये गलतियां या तो उन कंप्यूटर के लिमिटेशन का नतीजा होती है जिनके अंदर इन सिमुलेटेड गेम्स को बनाया जाता है, या फिर उन गेम डेवलपर्स की नजरअंदाजी होती है। तो क्या अगर हमारा यूनिवर्स भी एक सिमुलेशन है तो क्या हमारे उस यूनिवर्स में भी इस तरह की छोटी मोटी मिस्टेक्स हो सकती है? वेल, इसका जवाब भी काफी हद तक हाँ ही लगता है, क्योंकि जैसा कि हम अपने प्रीवियस वीडियो से ये देखते आ रहे हैं कि क्वांटम फिजिक्स हमारे इस यूनिवर्स से बिल्कुल ही अलग तरह से काम करती है, जहां समय या स्पेस जैसे रूल्स या फिर मुझे कहना चाहिए एल्गोरिदम एग्जिस्ट ही नहीं करते। क्वांटम पार्टिकल्स के इस वियर्ड बिहेवियर को हम कई एक्सपेरिमेंट से प्रूव भी कर चुके हैं। अब देखो, क्वांटम फिजिक्स में ऐसा ही एक फेमस एक्सपेरिमेंट है, द डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसमें अगर किसी क्वांटम पार्टिकल को मेटल स्लिट से गुजरते वक्त ऑब्जर्व ना किया जाए तो वो एक वेव पैटर्न को शो करता है, और जब जब उन्हें ऑब्जर्व किया जाने लगता है तब तब वो एक पार्टिकल की तरह बिहेव करने लगता है। अब क्वांटम पार्टिकल्स ऐसा कैसे करता है या फिर क्यों करता है, इसका जवाब भी अभी तक हमारे पास नहीं है, पर सिमुलेशन हाइपोथेसिस पर बिलीव करने वाले कई वैज्ञानिकों के लिए ये हमारे सिमुलेटेड यूनिवर्स में हुआ एक ग्लिच लगता है। इसके अलावा दोस्तों, सिमुलेशन हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए फ्यूचर में एक और एक्सपेरिमेंट प्रपोज किया गया है, जिसके मुताबिक अगर हमारा ये यूनिवर्स सिमुलेशन है तो इसकी फॉर्मेशन भी दूसरे कंप्यूटर प्रोग्राम्स की तरह छोटे छोटे इंफॉर्मेशन कैरी करने वाले बिट्स से ही हुई होगी, जो यूनिवर्स में चारों ओर फैले होंगे, जिनके अंदर यूनिवर्स के कोड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मौजूद होगी, और अगर इनमें इंफॉर्मेशन है तो कोई एनर्जी और मास भी होगा। इसी हाइपोथेटिकल इंफॉर्मेशन को वैज्ञानिक द्वारा फिफ्थ फॉर्म ऑफ मैटर कहा गया है, यानी अगर हम उन्हें डिस्कवर कर लेते हैं तो हम सिमुलेशन हाइपोथेसिस को प्रूव कर सकते हैं। पर अभी इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म नहीं किया गया है, लेकिन साइंटिस्ट के मुताबिक ये एक्सपेरिमेंट जल्द ही परफॉर्म किया जा सकता है, और अगर इसके दौरान हम इन बिट्स की डिस्कवरी कर लेते हैं तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये यूनिवर्स सच में एक सिमुलेशन है। चलिए, अभी के लिए इस एक्सपेरिमेंट के फ्यूचर रिजल्ट का इंतजार करते हैं और देखते हैं कि क्या हम फेक है या फिर हम ही रियल है। वैसे आपको इसके बारे में क्या लगता है, क्या हम किसी सिमुलेशन का हिस्सा है? आप अपना जवाब मुझे नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताना। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक कर देना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।